हाय फ्रेंड्स, आई एम बलराम मुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन नवभारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वी हैव नवभारती स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल विद ऑनलाइन क्लासेज। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हम शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम उन शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय है शिक्षण विधियां। शिक्षण को एक प्रभावशाली ढंग से प्रेषित करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से हम शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे करके सीखना, व्याख्या एवं वाद विवाद विधि, परीक्षण विधि, अवलोकन विधि, पूर्ण विधि, सामूहिक विधि, यानी इन शिक्षण विधियों के माध्यम से हम शिक्षण कार्य को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया सरल, सरस और प्रभावशाली बन सके। तो ये आवश्यक हो जाता है कि शिक्षण विधियों के द्वारा, शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि जब विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि उसके व्यवहार में जो अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहित किया जाता है, तो ऐसी जो प्रोत्साहित करने की जो विधि है उन्हें हम शिक्षण विधि कहते हैं। और उन शिक्षण विधियों के माध्यम से हम विद्यार्थी के व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे हम शिक्षण विधियों के बारे में बात करें तो नंबर एक, करके सीखना। नंबर दो, व्याख्या एवं वाद विवाद विधि। नंबर तीन, परीक्षण विधि। नंबर चार, अवलोकन विधि। नंबर पांच, पूर्ण विधि। नंबर छह, सामूहिक विधि। नंबर सात, गतिविधि गतिविधियों पर आधारित विधि। नंबर आठ, निरीक्षण विधि। नंबर नौ, प्रयोजना विधि। और नंबर दस, अनुकरण विधि। कहने का मतलब, ये जो दस विधि है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर एक, करके सीखना। नंबर दो, व्याख्या एवं वाद विवाद विधि। नंबर तीन, परीक्षण विधि। नंबर चार, अवलोकन विधि। नंबर पांच, पूर्ण विधि, सामूहिक विधि। सात पर है, गतिविधियों पर आधारित विधि। और आठ है, निरीक्षण विधि। नौ पर है, प्रयोजना विधि। और दस पर है, अनुकरण विधि। तो दोस्तों, हम
इन विधियों के बारे में चर्चा पिछली क्लास में कर चुके थे, यानी कि करके सीखना, व्याख्या में वाद-विवाद विधि, परीक्षण विधि, अवलोकन विधि और पूर्ण विधि और सामरूप विधि। शेष विधियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यानी कि इनको थोड़ा थोड़ा जान लें, यानी कि करके सीखना, कहने का मतलब विद्यार्थी जब किसी कार्य को करके और जब सीखता है, यानी स्वयं किसी कार्य को करता है, तो वो जो कार्य है वो करके सीखना विधि के अंतर्गत आता है। व्याख्या एवं वाद-विवाद विधि, यानी कि इस विधि के अंतर्गत किसी विषय पर भाषण दिया जाता है, और जब भाषण दिया जाता है तो उस पर फिर वाद-विवाद किया जाता है, और वाद-विवाद के माध्यम से वो समस्या का हल ढूंढा जाता है, और उस समस्या के हल को, यानी हल को सॉल्व किया जाता है, उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो ऐसी जो विधि होती है वो व्याख्या एवं वाद-विवाद विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है परीक्षण विधि। परीक्षण विधि के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, कि परीक्षण विधि में अनेक प्रयोग और यानी नवीन विचारधाराओं को प्रयोग करते हुए, प्रयोग और परीक्षण करते हुए नवीन क्रियाएं की जाती हैं। तो ऐसी जो विधि होती है वो परीक्षण विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में क्या होता है दोस्तों, कि अवलोकन विधि एक पूर्णतः भ्रमण पर आधारित होती है, यानी कि जैसे कि राष्ट्र के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, उद्योगशाला है, उनका साक्षात भ्रमण करना, जिससे कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। तो ऐसी जो विधि होती है वो अवलोकन विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि में दोस्तों क्या होता है कि जो विषय है उसका पूर्ण ज्ञान किया जाता है, यानी कि विद्यार्थी के द्वारा जिस विषय का ज्ञान किया जाता है वो हमेशा उसकी जो जिज्ञासा होती है वो पूर्ण होती है, यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की होती है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि उससे पहले जब उसकी कठिनाइयों का समाधान पूर्ण में ही कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है सामूहिक विधि। सामूहिक विधि में क्या होता है दोस्तों, कि सामूहिक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी खुलकर अपने प्रश्न कर सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, यानी ग्रुप में पढ़ने पर, यानी समूह में पढ़ने पर जो शिक्षण अध्ययन किया जाता है वो सरल हो जाता है, प्रभावशाली बन जाता है। उसमें जैसे मान लो कोई कमजोर विद्यार्थी है, वो कक्षा में प्रश्न पूछने में सक्षम नहीं होता है, वो इतना संकोच करता है कि वो कक्षा में अपना प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो ऐसी स्थिति में जब सामूहिक रूप से पढ़ा जाता है, जब ग्रुप में पढ़ा जाता है, तो वो जो विधि होती है वो सामूहिक विधि कहलाती है। इसमें बच्चे को योग्यता प्रदर्शन करने का अवसर मिल जाता है, वह विधि जिसमें विद्यार्थी अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सके, अपनी योग्यता को प्रकट कर सके, ऐसी जो विधि होती है वो सामूहिक विधि कहलाती है। इसके अलावा गत विधियों पर आते हैं, तो कहने का मतलब इन विधियों के बारे में चर्चा कर चुके थे, तो अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी कि गत विधियों पर आधारित विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोजना विधि और अनुकरण विधि। जैसे नेक्स्ट है प्रयोजना विधि को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रयोजना विधि, प्रयोजना विधि के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि इस विधि के जो प्रणेता है, प्रतिपादक करने वाले हैं, वो है WH Kilpatrick, यानी कि WH Kilpatrick जो हैं वो प्रयोजना विधि को प्रतिपादित करने वाले हैं, यानी कि इसके प्रणेता हैं। इस विधि के प्रणेता WH Kilpatrick हैं। इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन सन
1918 ईस्वी में किया था। प्रयोजना विधि में स्वाभाविकता एवं सजीवता के माध्यम से शिक्षण अधिगम अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। कहने का मतलब इस विधि के प्रणेता W.H. Kilpatrick हैं। इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन सन 1918 ईस्वी में किया था। प्रयोजना विधि में स्वाभाविकता एवं सजीवता के माध्यम से शिक्षण अधिगम अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। कहने का मतलब प्रयोजनात्मक विधि है, यानी कि इसके अंतर्गत एक योजना बनाकर जो शिक्षण अधिगम किया जाता है, जिसके माध्यम से जो शिक्षण अधिगम है वो अत्यंत प्रभावशाली और सरल प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के अंदर अनुकरण विधि अनुकरण विधि के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, कि विद्यार्थी का एक आइडल होता है, यानी कि कहने का मतलब हमेशा विद्यार्थी अनुकरण करता है। अब अनुकरण कैसे करता है, कि अनुकरण माता पिता गुरु नेता अभिनेता इन सबका अनुकरण विद्यार्थी करता है, जिसके माध्यम से वो कुछ सीखता है। तो जैसा वो देखता है, जैसा वो सुनता है, वैसा ही वो सीखता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है, अनुकरण विधि के अंतर्गत आता है। जैसे नेता अभिनेता माता पिता गुरु आदि के द्वारा बालक सीखता है। अर्थात बालक उनका अनुकरण करता है। वह अनुकरण प्रक्रिया अनुकरण विधि के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों अनुकरण विधि में क्या होता है, कि जैसे नेता अभिनेता माता पिता गुरु आदि के द्वारा बालक सीखता है, अर्थात बालक उनका अनुकरण करता है, वह अनुकरण प्रक्रिया अनुकरण विधि के अंतर्गत आती है। यानी कि जैसा बालक देखता है सुनता है वैसा ही बालक स्वयं करता है। नेक्स्ट है
निरीक्षण विधि में क्या होता है दोस्तों कि हमेशा बालक निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने का तात्पर्य यह है कि मान लो एक सैनिक पिता है और सैनिक पिता की जो संतान है वो हमेशा सैनिक बनने की ही लालसा रखता है। कारण यह होता है क्योंकि वो हमेशा अपने पिता से ये सीखता है कि सैनिक का जो कार्य है वो कैसा होता है, किस प्रकार किया जाता है, वो सैनिक की दिनचर्या के बारे में सुनता है, उनके उत्साह के बारे में सुनता है, उनके कार्यों के बारे में सुनता है। मान लो कोई डॉक्टर है किसी का पिता, तो वो डॉक्टर से रिलेटेड बातों को ज्यादा सीखता है। कहने का मतलब वो उनको देखता रहता है। मान लो किसी का फादर डॉक्टर है और पेशे से डॉक्टर होने के कारण उसके पास पेशेंट आएंगे, ये स्वाभाविक है, तो वो उनको देखता है कि मेरे पिताजी पेशेंट को कैसे देखते हैं। तो कहने का मतलब वो निरीक्षण करता है। तो वो जो निरीक्षण प्रक्रिया है वो निरीक्षण विधि के अंतर्गत आती है। तो कहने का मतलब जब बालक स्वयं निरीक्षण करता है तो बालक अपने ज्ञान में तीव्रता प्राप्त करता है। कहने का मतलब जब बालक स्वयं निरीक्षण करता है तो बालक अपने ज्ञान में तीव्रता प्राप्त करता है। अब तीव्रता प्राप्त कैसे करता है, कहने का मतलब जिस कार्य को बालक रोजाना देखता है सुनता है तो उसके ज्ञान में ऑटोमेटिक ही एक अलग से ज्ञान में तीव्रता आ जाती है। तीव्रता आने का कारण क्या है, उसका निरीक्षण करना, क्योंकि वो उसको रोजाना देखता है, उसका निरीक्षण करता है कि मेरे पिताजी कैसे काम करते हैं। तो ये जो देखना है, जो निरीक्षण करना है, वो जो ज्ञान में तीव्रता लाना है, ये सब किस पर किस विधि के अंतर्गत आता है, निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है गतिविधियों के आधार पर, गतिविधियों के आधार पर। कहने का मतलब दोस्तों जो गतिविधियों के आधार पर जो शिक्षण विधि होती है वो होती है, जैसे कि इसका जीता जम का उदाहरण है खेल, यानी कक्षा कक्ष में और कक्षा कक्ष के बाहर ही शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। तो जब गतिविधियों के आधार पर जब हम शिक्षण विधियों की बात करें तो वो उसका ज्वलंत उदाहरण है खेल विधि। खेल विधि के माध्यम से यानी कि खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, वो आती है गतिविधियों के आधार पर दी जाने वाली शिक्षण विधि। तो यानी कि खेल खेल में दी जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया गतिविधियों के आधार पर शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। यानी कि खेल खेल में दी जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया गतिविधियों के आधार पर शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब खेल खेल में दी जाने वाली जो शिक्षण प्रक्रिया है वो एक अत्यंत प्रभावशाली होगी। और क्यों होगी, क्योंकि उसमें खेल खेल में ही शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है।
नेक्स्ट है जो शिक्षण अधिनियम है, शिक्षण अधिनियम को हम तीन स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण अधिनियम यानी ये जो शिक्षण विधियां हैं उनको हम तीन तरह से यानी तीन स्तरों पर काम ले सकते हैं। जैसे एक सारणी के माध्यम से जानेंगे कि शिक्षण अधिनियम जो शिक्षण विधियां हैं उनको तीन स्तर पर कैसे काम लेंगे, यानी कि एक है श्रवण, दूसरा है दृश्य और तीसरा है श्रव्य दृश्य। कहने का मतलब ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। यानी कि शिक्षण जो विधि है उनको हम तीन तरह से शिक्षण अधिनियम में काम में ले सकते हैं, यानी कि श्रव्य के रूप में, दृश्य के रूप में और श्रव्य दृश्य के रूप में। श्रव्य से तात्पर्य है जिसको केवल सुना जा सकता है और दृश्य का तात्पर्य है जिसको केवल देखा जा सकता है और श्रव्य दृश्य का तात्पर्य है कि जिसको सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। कहने का मतलब श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य तीनों ही स्तरों पर शिक्षण विधियों को हम प्राप्त करते हैं, यानी अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षण अधिगम है उसमें काम में लेते हैं। तो जैसे हम श्रव्य की बात करें तो श्रव्य में जो आता है वह है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कहने का मतलब ये जो यंत्र हैं वो हमको सर्व सामग्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, इसमें आपने देखा होगा रेडियो में केवल हम सुन सकते हैं और टेप रिकॉर्डर है इसमें भी केवल हम सुन सकते हैं, इसमें ना देख सकते हैं। और ऐसी जो डिवाइस, ऐसा जो यंत्र जिसमें देखा भी जा सके और सुना भी जा सके वो सर्व दृश्य के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये जो यंत्र है वो कैसे होंगे जो श्रव्य के अंतर्गत आएंगे, इनमें केवल हम सुन सकते हैं, यानी कि जिनका संबंध केवल कानों से हो तो वो जो सामग्री है वो श्रव्य के अंतर्गत आती है। सीधा सा अर्थ ये मानेंगे आप तो, और जिनका संबंध सीधा नेत्रों से हो वो दृश्य के अंतर्गत आता है और जिसका संबंध नेत्र और कान दोनों से हो वो जो यंत्र है, वो जो डिवाइस है वो ऑडियो विजुअल के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसमें देख लेते हैं, दृश्य में जैसे चित्र है, मानचित्र है, रेखा चित्र है, मॉडल है, पोस्टर है, ग्लोब है, मूक फिल्म है, दोस्तों ध्यान रखना है कि मूक फिल्म दृश्य के अंतर्गत आती है और वही ओनली यदि मूक को हटा दिया जाए फिल्म है तो वो दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आती है। इसमें है जैसे चित्र, चित्र को हम केवल देख सकते हैं, मानचित्र है, मानचित्र को हम केवल देख सकते हैं, मान लो संसार का मानचित्र है या भारत का है या राजस्थान का है उसको हम केवल देख सकते हैं, उसमें जो भी अंकित किया गया है, जो भी अंकित है उसमें उसको हम केवल देख सकते हैं ना कि सुन सकते हैं। मॉडल है, मान लो कोई ताजमहल के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो हम ताजमहल का मॉडल कक्षा कक्ष में प्रस्तुत तो कर सकते हैं, तो मॉडल को हम केवल देख सकते हैं वो ना उससे हम सुन सकते हैं।
और ना उसमें दोनों प्रक्रिया होंगी। तो कहने का मतलब जो मॉडल है वो किसके अंतर्गत आएगा, दृश्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है पोस्टर। पोस्टर को हम केवल देख सकते हैं, ग्लोब है, ग्लोब आपने देखा होगा, उसको केवल हम देख सकते हैं। मूक फिल्म है, मूक फिल्म को हम केवल देख सकते हैं, हम सुन नहीं सकते उसको, क्योंकि मूक फिल्म का जो संबंध होता है वो विकलांग बालकों यानी कि बधिर बहरे बालकों के लिए किया जाता है, और जिसके अंतर्गत श्रव्य दृश्य दोनों आते हैं, उसका उदाहरण है दूरदर्शन, फिल्म, चलचित्र, कहने का मतलब दूरदर्शन, फिल्म, चलचित्र, ये जो यंत्र हैं वो ऐसे यंत्र हैं जिनके अंतर्गत हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो आपने देखा होगा दूरदर्शन है, हम समाचार सुनते हैं, तो समाचार पर जो एंकर होता है वो बोलता है और उसको हम देख भी लेते हैं। तो कहने का मतलब दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है, इसमें हम उसको देख भी सकते हैं और सुन सकते हैं। फिल्म है किसी, कोई ऐतिहासिक फिल्म है, कोई धार्मिक फिल्म है, कोई नैतिक फिल्म है, उन सबका हम जब अवलोकन करते हैं तो उनमें यह स्पष्ट होता है कि वो बोलने उसको बोलते हुए भी देखते हैं और उसको उसका चित्र भी देख सकते हैं, हम एक साथ दोनों प्रक्रिया कर सकते हैं। चलचित्र, चलचित्र की भी यही प्रक्रिया है जिसको हम एक साथ देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों जो शिक्षण अधिगम की स्तर है वो तीन है, श्रव्य दृश्य श्रव्य दृश्य। श्रव्य के अंतर्गत रेडियो टेप रिकॉर्डर यानी कि जिनको केवल सुना जा सकता है, दृश्य के अंतर्गत चित्र मानचित्र रेखा चित्र मॉडल पोस्टर ग्लोब मूक फिल्म और इनको हम केवल देख सकते हैं, और तीसरा है श्रव्य दृश्य जिसमें हम केवल देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वह है दूरदर्शन फिल्म और चलचित्र। कहने का मतलब दोस्तों जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षण विधियां हैं उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हम शिक्षण विधियों के माध्यम से जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण अधिगम है, उसको प्रभावशाली बना सकते हैं, उसको सरस बना सकते हैं, उसको सरल बना सकते हैं, उसको सुगम बना सकते हैं। और जब ऐसा जब अधिगम प्रक्रिया होगी, ऐसा शिक्षण अधिगम होगा तो वो निश्चित ही प्रभावशाली होगा, और जब प्रभावशाली शिक्षण अधिगम होगा तो विद्यार्थी का जो शिक्षण कार्य है वो भी प्रभावशाली होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो शिक्षण विधियां थी, यानी कि शिक्षण विधियां के बारे में चर्चा की, और शिक्षण विधियों के अलावा हमने ये जाना कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको किन किन स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है, उन शिक्षण विधियों को कहां अप्लाई किया जा सकता है, किस माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।